तो गाइस अभी जो है काफ़ी सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को वी बैच दिया गया है। तो अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपको वी बैच कैसे मिलेगा, और अगर आप आगे जाके ई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने वाले हो तो तब उस टाइम पे आप लोग वी बैच के लिए अप्लाई कैसे करोगे, इन सारे क्वेश्चंस का आज की वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो वैसे भी छोटा सा है तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अभी तक जो है फ्री फायर के अंदर इंडिया में सिर्फ जो बंदे फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड हैं उनको वी बैच मिलता था, लेकिन अभी जो है ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी वी बैच मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आपको वी बैच कब मिलेगा, क्या आपको फ्री फायर का कोई सा अनऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने पर वी बैच मिलेगा ना? क्या आपको फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने पर वी बैच मिलेगा ना? क्या आपको फ्री फायर का कोई सा ऑफिशियल टूर्नामेंट विन करने पर यानी कि जीतने पर वी बैच मिलेगा? सो आई नो कि आप लोग समझ गए कि यहाँ पे आपको फ्री फायर का कोई सा ऑफिशियल टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा तभी आपको वी बैच मिलेगा। सो अगर आप लोग फ्री फायर ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पहले से जो टीम फ्री फायर ई स्पोर्ट्स खेलती है जैसे कि टोटल गेमिंग टीम मिली, अगर आप लोग इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे मैंने ऊपर दी है। सो आप लोग सिंपली यहाँ पे ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो पर पहुंच जाओगे। ये ट्रैक बनाया क्योंकि सेक्सी लग रहा था, काला सूट है पाया क्योंकि सेक्सी लग रहा था, मैं आज नहीं आया क्योंकि सेक्सी लग रहा था, सेक्सी लग रहा था।